जब गर्मी बढ़ती है तो पंखे से काम नहीं चलता, कूलर खरीदना ही पड़ता है। और मार्केट में अलग अलग टाइप के एयर कूलर्स हैं, जैसे डेजर्ट एयर कूलर, पर्सनल एयर कूलर, टॉवर एयर कूलर। अब अगर आप बिना रिसर्च के कोई भी एयर कूलर खरीद लाएंगे तो जब पीक समर डेज होते हैं, जब गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पर आपको ठंडी हवा नहीं मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने पैसे खराब कर दिए। और मार्केट में अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है एयर कूलर्स में। ऐसी काफ़ी सारी टर्म्स हैं जो दुकानदार या ऑनलाइन अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर आपके सामने आएंगी और आपको ये लगेगा, यार कैसा कूलर लूँ, ये बढ़िया है नहीं है, कितने दुनिया भर के फीचर हैं, इन फीचर के बारे में आपको पता भी नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एयर कूलर के ऊपर कंप्लीट गाइड दे रहा हूँ, कितने टाइप के एयर कूलर होते हैं, किस सीजन के हिसाब से, किस एरिया के हिसाब से कौन सा एयर कूलर आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्राइमरीली दो ही टाइप के एयर कूलर होते हैं। पहला होता है डेजर्ट एयर कूलर। ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं, लगभग 5 फीट 5.5 फीट की इनकी हाइट होती है। और अगर आप एक पूरे कमरे को या हॉल को या किसी बड़े एरिया को ठंडा करना चाह रहे हैं तो आप इन एयर कूलर को प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही जब गर्मी अपने पीक पर होती है, यानी कि 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है गर्मियों में, उस टाइम पर ये कूलर्स बेस्ट होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा घर ठंडा रहे, मेरा कमरा ठंडा रहे, 2-3 लोग हैं, सबको ठंडी हवा मिलनी चाहिए, तो आप आंख बंद करके इन्हीं टाइप के एयर कूलर्स पर फोकस कीजिए, दूसरे वाले को इग्नोर कीजिए। दूसरे वाले जो होते हैं वो होते हैं पर्सनल एयर कूलर्स। इसमें 3 टाइप के एयर कूलर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो नॉर्मल पर्सनल एयर कूलर होते हैं जो दिखने में डेजर्ट एयर कूलर जैसे ही लगते हैं, लेकिन साइज में थोड़े छोटे होते हैं। डेजर्ट एयर कूलर में मैंने बताया था 5-5.5 फीट की उनकी हाइट होती है। इन पर्सनल एयर कूलर की जो हाइट होती है वो मैक्सिमम 3-3.5 फीट तक की होती है। और इनके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ये एयर कूलर सिर्फ आपके पर्सनल यूज के लिए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा या फिर जब गर्मी अपने पीक पर होती है तब मेरे को ठंडी हवा मिलेगी, तो वहां पर ये कूलर काम नहीं करते। आप अगर ये चाहते हैं कि मैं एक टेबल पर बैठा हुआ हूं, साइड में एयर कूलर लगा हुआ है, मुझे हवा मिलती रहे, उस टाइम के लिए ये पर्सनल एयर कूलर बेस्ट होते हैं। इनमें जो दूसरा टाइप होता है वो होता है टॉवर एयर कूलर्स का। तो अगर आपके पास स्पेस थोड़ी सी कम है और आपको अपने पर्सनल यूज के लिए एयर कूलर चाहिए तो आप टॉवर एयर कूलर प्रेफर कर सकते हैं। अब अगर आप ऑनलाइन टॉवर एयर कूलर्स की फोटोज देखोगे तो दिखने में ऐसे लगते हैं कि पतले से होते हैं, काफी लंबे होते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं लंबे नहीं होते। इनकी भी जो हाइट होती है वो 2.5-3 फीट तक की होती है, उससे ज्यादा की नहीं होती। तो ये भी आपके कमरे को ठंडा नहीं करेंगे, आपके पर्सनल यूज के लिए है। अगर स्पेस थोड़ी सी कम है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तीसरा जो इनमें टाइप होता है वो होता है विंडो एयर कूलर्स का। इनके नाम से आपको पता चल रहा होगा, छोटे से विंडो साइज के ये एयर कूलर्स होते हैं। इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इनके लिए आपको कोई ट्रॉली, स्टूल या टेबल पर इनको रख के यूज करना पड़ेगा। और इनकी हाइट भी काफी छोटी होती है, लगभग 2 फीट का ये एयर कूलर आपको देखने को मिलेगा। और अगेन ये भी आपके पर्सनल यूज के लिए है, कमरे को ठंडा नहीं करेगा। तो ये थे अलग अलग टाइप के एयर कूलर्स। और कुल मिला के एयर कूलर खरीदते समय आपको 2 ही चीज पर फोकस करना है। पहला, वो एरिया जिसको आप ठंडा करना चाह रहे हैं वो कितना बड़ा एरिया है। दूसरा, किस सीजन में आप एयर कूलर को यूज करना चाह रहे हैं। अगर पीक समर सीजन में यूज करना चाह रहे हैं तो डेजर्ट एयर कूलर बेस्ट रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। हो सकता है ये वीडियो आपके काम की ना हो लेकिन आपके जान पहचान में किसी के काम की हो सकती है। और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है, घर पर यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड सोलर वीडियोस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड वीडियोस, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।